ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो बहुत सारी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है। ये क्वेश्चन नंबर 4 बेटा पढ़ना शुरू करा, ये बंद करेंगे। पढ़े खुद से, जरा पढ़ के देखें क्या लिखा। ये सर जी रिक्वायरमेंट वन मीन्स क्या बनाना सर जी, क्या बनाना है सर? बी रिक्वायरमेंट मीन्स, अच्छा बेटा कोई अकाउंट नंबर वन की बात कर रहा है, बिजनेसेस के एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स भी पॉसिबल है, और फिर जितने बैंक अकाउंट्स होंगे हर बैंक अकाउंट के लिए अलग अलग एक बैंक का लेजर, और बैंक भी हर अकाउंट के लिए एक बैंक स्टेटमेंट अलग बनाएगा। मसलन फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर वन का बैंक अकाउंट आप भी बनाएंगे, और अकाउंट नंबर वन की बैंक स्टेटमेंट बैंक भी बनाएगा। क्या इसका बैलेंस आपस में मैच होना चाहिए? और अगर मैच ना हो तो इस अकाउंट नंबर वन की बैंक रिकंसिलेशन भी होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई अकाउंट नंबर 10 है, उसका बैंक अकाउंट भी होगा, उसकी बैंक स्टेटमेंट भी होगी, और अगर ये बैलेंसेस मैच ना करें तो हर बैंक की अलग अलग अकाउंटिंग होगी। तो आपसे किस अकाउंट की मांगी हुई है? तो वही दो चीजें फर्स्ट लाइन से पढ़े। ये कल जरा दरवाजा बंद करेंगे दोनों, ये वाला भी कर सर प्लीज सर। ये सर फर्स्ट लाइन अकॉर्डिंग टू द एम्स कैश बुक, एम एक पर्सन का नाम समझना, क्या मतलब कैश बुक? देर इज अ बैलेंस ऑफ, देर वॉज अ बैलेंस ऑफ 3000 ओवर ड्रॉन, अंडरलाइन करें ओवरड्रॉन ओवरड्राफ्ट जेन रख के बताएं, ये 3000 डेबिट है या क्रेडिट है? कैश बुक के एंगल से ओवरड्रॉन मींस क्रेडिट बैलेंस। अगर ये सेंटेंस इस तरह होता अकॉर्डिंग टू द बैंक स्टेटमेंट देर वॉज अ 3000 ओवरड्रॉन, तो ओवरड्रॉन बैलेंस हमारे एंगल से क्रेडिट होगा और बैंक के एंगल से डेबिट होगा। तो क्यों क्रेडिट लिखा मैंने, क्यों क्रेडिट लिखा मैंने? ऑन इज नंबर वन अकाउंट, नंबर वन पढ़ेंगे बताएं क्या करेंगे इसका? स्पीड अप, स्पीड अप, कहां लिखेंगे सर, कैसे लिखेंगे? डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे? अनप्रेजेंटेड चेक सर बीआरएस में कैसे लिखेंगे? नंबर टू पढ़े, checks of 2500 entered in the cash book as deposited into bank, deposited into bank, paid into bank means deposited into bank but not yet cleared, dishonored,
अभी हुए नहीं, नहीं ये नहीं लिखा कि क्लियर होंगे, हुए ही नहीं मतलब अभी तक नहीं हुए, तो वी अज्यूम कि अगर अभी तक नहीं हुए तो हो जाएंगे, अनलेस वो बताए ये होने ही नहीं, अगर ये क्लियर होने ही नहीं तो फिर ये कौन सा हो जाएंगे, डिसऑनर्ड। फिलहाल क्या कंसिडर करेंगे, अनक्रेडिट चेक्स बीआरएस में क्रेडिट करके लिखेंगे। नंबर थ्री जरा कंसंट्रेशन से पढ़ें और एक डिसीजन लें, जरा क्या करेंगे, किस अकाउंट को डेबिट कर दिया सर, ये ड्रॉन का मीनिंग बताएं, चेक ड्रॉन, एक ट्रांसलेशन करें इसके सिंपल से, अपनी अपनी करें, अपनी अपनी करें, दोनों 1200 का एक चेक लिखा था अकाउंट नंबर वन का, बैंक ने अकाउंट नंबर टू में डेबिट कर दिया, ये कैसे पता चला मैंने डेबिट कर दी, तो सही हो गया, अगर आपने एक चेक लिखा है तो ये पेमेंट का चेक होगा ना यार, पहले ये भी सोचा एक मिनट, एक मिनट, अगर आप एक चेक लिख रहे हैं तो इस चेक के लिखने से कोई पेमेंट होगी या कोई पैसे आएंगे, पेमेंट का चेक है, बैंक ने करना तो डेबिट ही था, लेकिन किस अकाउंट में करना था, वन से रिलेटेड था, वन में डेबिट होना चाहिए था, और कहां डेबिट हो गया, तो मिस्टेक क्या है, नहीं मिस्टेक है क्या, वन में डेबिट होने की बजाय टू में डेबिट हो गया, मिस्टेक की किसने, ठीक कहां करेंगे, नहीं वो तो बैंक में तो करेंगे, लेकिन टेम्परेरी तौर पे कहां ठीक करेंगे, बीआरएस में कैसे ठीक करेंगे, अब ये सोच के बताएं, जल्दबाजी नहीं, रिलैक्स, दोबारा पढ़ें, हम किस अकाउंट की बीआरएस बना रहे हैं, वन की, तो वन की बीआरएस में इसको कैसे ठीक करें, मजा नहीं, ठीक है मतलब मजा, पूरी बात बेटा ये है कि बैंक को ये चाहिए, बैंक को ये चाहिए कि वो अकाउंट नंबर टू को क्रेडिट करके वन को डेबिट करें, लेकिन क्योंकि हमने टू की काउंटिंग करनी नहीं फिलहाल, तो हम सिंपली ये कहेंगे कि वन को डेबिट होना चाहिए, पहले वन अकाउंट नंबर वन में क्या हुआ है, पहले अकाउंट नंबर वन में क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, वन में कुछ नहीं किया, वन की बजाय कहां कुछ हो गया, तो कहां होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितने से होना चाहिए, ठीक है क्लियर। नंबर फोर, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक किसे कहते हैं, एक सेकंड जरा अपने सामने स्क्रीन पे देखें, ये कौन सा साइड है सर, डेबिट साइड, ये कौन सी है, क्रेडिट साइड, क्या हम ये कह सकते हैं कि डेबिट साइड इज रिसीट साइड, क्यों, बैंक कब डेबिट होगा, जब बैंक में पैसे आएंगे या जाएंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड एज रिसीट साइड, कौन सी साइड इज आल्सो कॉल्ड एज, डेबिट साइड कैन आल्सो बी कॉल्ड एज रिसीट साइड एंड क्रेडिट साइड कैन आल्सो बी कॉल्ड एज पेमेंट साइड, ठीक है सर। कोई लिखने की है वैसे जरूरत इस बात को, पता व्हाई द डेबिट साइड इज कॉल्ड एज रिसीट साइड, क्योंकि बैंक कब डेबिट होता है, जब बैंक भरेगा पैसे आएंगे, और बैंक क्रेडिट कब होगा, जब पेमेंट्स होंगी बैंक से पैसे जाएंगे, तो डेबिट साइड कैन बी कॉल्ड एज रिसीट साइड आल्सो एंड पेमेंट साइड कैन बी कॉल्ड एज, नहीं क्रेडिट साइड कैन बी कॉल्ड, तो कौन सी साइड पे क्या हुआ है, दोबारा पढ़े नंबर फोर, एक और वर्ड आ गया अंडरकास्ट, वैसे आपकी इस बुक पे ऊपर लिखा भी हुआ था, ये मेरा बुक है या पेज अगर पढ़ रहे तो, एक और वर्ड अकाउंटिंग में यूज होता, थोड़ा सा ऊपर ही आ जाए, मैं इसे देख लूंगा, एक वर्ड यहाँ ऊपर क्वेश्चन के ऊपर कास्टिंग ढूंढना,
अकाउंटिंग में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कास्टिंग, ये होता है टोटल के लिए। मसलन अगर मैं आपसे कभी कहूँ कास्टिंग करें तो आप क्या ढूंढेंगे? कैलकुलेटर ढूंढेंगे। मैं आपसे कहूँ कास्टिंग अगर करनी, मतलब कहूँ तो फिलहाल जरूरत नहीं है, अगर मैं कास्टिंग कहूँ तो सर आप क्या समझेंगे कि टोटल करना है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि ओवर कास्टिंग हो गई है इसका मतलब टोटल ज्यादा हो गया है। अंडर कास्टिंग मीन्स क्या? टोटल ज्यादा हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए? ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, क्या हो गया? ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अगर ज्यादा हो गया है तो उसको ठीक होना चाहिए कम करके, और अगर कम है तो ज्यादा करके ठीक होना चाहिए। टोटल कितना होना चाहिए? जितना है। ओवर कास्टिंग मीन्स ज्यादा हो गया है, अंडर कास्टिंग मीन्स फाइनल करें। नंबर फोर, कौन सी साइड का टोटल कितने से कम हो गया है? कहां गलती है? कहां कहां? कैश बुक की क्रेडिट साइड में। सही कहां करें? कैश बुक में। नहीं ठीक कहां करें? बीआरएस में करें, कैश बुक में करें? हमारी मिस्टेक है, कैश बुक में ठीक होनी चाहिए। कैसे ठीक करूं? 700 से डेबिट कर दें, पहले ही कम है सर। क्या क्रेडिट कम हो गया सर? तो क्रेडिट और कम कर दें। फाइनल करें, क्या करें? 700 से क्रेडिट बढ़ना चाहिए। अंडर कास्ट, ओवर कास्ट मीन्स अगर क्रेडिट साइड ज्यादा कास्ट हो जाए, ज्यादा टोटल हो जाए, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर डेबिट करके ठीक होगा यार, नहीं? प्लीज फिलहाल क्या करें? बहरहाल कैश बुक में 700 से क्रेडिट होके ठीक होना चाहिए। चलो आगे पढ़े नंबर फाइव, डिविडेंड पेड डायरेक्ट इनटू बैंक। पहले ये डिसीजन लें, ये डिविडेंड मिला है या दिया है? वो पेड है, लेकिन पेड के आगे पीछे भी काफी कुछ है। सेंटेंस पूरा पढ़े, पूरा पूरा। पैसे आए गए कहां आए? डायरेक्टली बैंक में है। डिविडेंड पेड इन टू बैंक, क्या बैलेंस बढ़ा या कम हुआ? वो तो कहता पेड है। पैसे आए हैं गए हैं? कमाल है सर, माइक के बगैर इतना ठीक है, मतलब क्या होगी देखिए। पैसे आए गए सर, डिविडेंड इनकम कहलाएगी सर। ये पूरी एंट्री बोलना है, लिखे लिखे सावधान लिखे, इसके एंट्री लिखे, बैंक डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट लिखा करें। साथ ही जगह बनाए, राइट साइड पे थोड़ी सी जगह है, राइट लेफ्ट कहीं जगह ढूंढना। क्योंकि सर जी कम टोटल हुआ, कम क्रेडिट हुआ है, पेमेंट साइड कम टोटल हुई है, तो अगर क्रेडिट्स कम हो गए तो क्रेडिट्स को कैसे पूरा करें? 700 से बढ़ा के। बार अगर कोई आगे पीछे रह जाए ना तो प्लीज थोड़ा साथ आ जाएगा ना, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, फिर दोबारा डिस्कस हो जाएगा। बैंक चार्जेस वाला बेटा इमीडिएटली डिसीजन लें जल्दी से, जो चीजें रिपीट हो रही है फाइनल फाइनल करें जल्दी से। बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है सर? बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। नंबर एट में कोई गलती ना हो, डबल एंट्री बतानी है आपने। नंबर सेवन, सॉरी, चेक पेड इनटू बैंक ध्यान में रखें, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक है। बताएं हमारा चेक डिसऑनर हुआ या हमें जो मिला था वो डिसऑनर हुआ? इस सेंटेंस में अभी क्लियर है कि ये हमें मिला था, कैसे पता चल रहा है मुझे? हम कौन से चेक्स बैंक में जमा करवाएंगे जो हमें रिसीव हुए हो? तो यहाँ वो मसला नहीं है जो कल वाले सवाल में था, चेक मिला है या दिया है। हम डिपॉजिट कौन से चेक्स करवाएंगे जो हमने रिसीव हुए होंगे? तो एंट्री लिखे इसकी तरफ, चेक मिलता है तो एंट्री क्या होती है? हमेशा इसको इससे सोच के फिर उलट करना, वरना गलती हो जानी है। हमें चेक मिलेगा तो बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट, उलट करके बोले लिखे, डेटर डेबिट, बैंक क्रेडिट।
पेड डायरेक्ट टू बैंक का मतलब सर जी है अभी शहजाद साहब, डिपॉजिटेड इनटू बैंक सर जी। लास्ट वन फिर एक रिपीट हो रहा है, बैंक चार्जेस कुछ और भी है 10 के, कहाँ रिकॉर्ड नहीं है। चलिए रजिस्टर खोलें जी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वाइंड अप करें, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें बनाएं, हाफ ऑफ पेज यूज करते रहें। डेट इसकी क्या है, 30 जून। जी लिख लेते हैं एम अच्छा फिलहाल ना जरा 2-3 सवाल जरा मुझे और करवा दें, बाद में फिर शायद हम कंफर्टेबल होके खुद कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन से शुरू करें, पढ़े बताएं क्या करूं, दोबारा रिवाइज करना सारा सवाल। नहीं सर जी फर्स्ट लाइन किसका बैलेंस है, ये कैश बुक का अनएडजस्टेड क्रेडिट बैलेंस है। ये अनएडजस्टेड कहां से मुझे पता चला, कोई नहीं लिखा हुआ। नहीं सर जी ध्यान है जी सर, ओवरड्रॉन मीन्स ऑफ क्रेडिट है, अनएडजस्टेड कैसे पता चला हमें, नीचे सवाल पढ़ के कि एडजस्टमेंट्स हैं अभी। मसलन पॉइंट नंबर 3 देखा जाए, 3 तो नहीं खैर पॉइंट नंबर 1 देखा जाए, ये क्या है पूरा सवाल जल्दी से राइज करें। पॉइंट नंबर 1 इसका तो बीआरएस से ताल्लुक है, दूसरा क्या है बीआरएस है, तीसरा भी बीआरएस से रिलेटेड है, चौथा पढ़े जरा क्या ये एडजस्टमेंट आनी है कोई हमारी कैश बुक में। तो अगर एक भी एडजस्टमेंट है तो फिगर ऑफ बैलेंस इज अनएडजस्टेड, और ये क्रेडिट क्यों है, ओवरड्रॉन की वजह से, तो इट इज अनएडजस्टेड क्रेडिट बैलेंस। लिखवाना है आपने, कहां लिखूं, कहां लिखूं सर, कितना लिखूं, 3000 और सर 3000 है, जान दे यार क्यों गलत करवाना मेरा, नहीं बैलेंस ऊपर वाला यार, फर्स्ट लाइन में बैलेंस तो 3000 है ना, वो तो चौथी एडजस्टमेंट है 700 यार, दो भी है क्यों गलत कराना मुझे सर, बड़े रिलैक्स हैं सर, इतना तो मैं भी नहीं जी सर। स्पीड अप नंबर 1 पढ़े, फॉरन कहां जाए, लिखें लिखें अनप्रेजेंटेड चेक्स, एक लाइन रखें ऊपर, कितनी अमाउंट है अनप्रेजेंटेड चेक्स, कितने 5000 डेबिट। अब प्लीज अगर कोई इश्यू है तो साथ साथ काइंडली बताइएगा। चलो आगे पॉइंट नंबर 2 पे मेरे साथ है तो तेज जल्दी से आगे ना जाएं, रुक जाएं अभी फिलहाल, रुक जाएं एक एक पॉइंट करके रुकते जाएं। अनक्रेडिट चेक्स होते क्या वैसे, रिपीट कर दें जरा, कितनी अमाउंट है 2500 डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट
पॉइंट नंबर थ्री रिवाइज करें एक मिनट, अमाउंट इरोनियसली इरोनियसली डेबिटेड इन अकाउंट नंबर टू, ये भी लिखा जा सकता है अमाउंट इरोनियसली नॉट डेबिटेड इन वन। फाइनल करें, फाइनल करें, ये वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अंग्रेजी के वर्ड डिफरेंट हो सकते हैं। आप मुझे अमाउंट बताएं, एडजस्टमेंट में लिख रहा था 1200 और रेफरेंस लिखवाएं। अकाउंट नंबर वन की वर्किंग हो रही है सर, 1200 ठीक है, करवा दे देखें स्क्रीन पर, 1200 कैसे लिखूं, क्रेडिट आएगा किस अकाउंट को क्रेडिट होना है, टू को, पढ़े पढ़े दोबारा, चांस दें भाई को, क्या होगी, कहां चार्ज हो गया सर, तो टू में तो चार्ज होना ही नहीं था, वन में पहले क्या हुआ, तो वही कुछ नहीं, कहां डेबिट की बजाय कहां डेबिट हो गए, वन डेबिट की बजाय टू डेबिट हो गया, टू में क्रेडिट होना और वन में डेबिट होना, तो हम वन की वर्किंग कर रहे हैं, तो वन में डेबिट होना, पहले वन में डेबिट हुआ ही नहीं, वन की बजाय कहां डेबिट हो गए, वन की बजाय कहां चार्ज हो गए, ठीक है सर जी, तो अमाउंट इरोनियसली डेबिटेड इन अकाउंट टू, अकाउंट नंबर टू, मसलन जैसे एंट्री अभी जो करेंगे वो हम पहले ही कर चुके हैं, सर इसे क्या फर्क पड़ता है, सर क्या हो गया सर, क्या यही अमाउंट से ऊपर नीचे अगर हो जाए तो वो कहाँ हो जाए, वो तो मैंने लिखा ही नहीं, सर जी कोई लास्ट में नहीं आनी, मैं तरतीब से इसलिए कर रहा हूँ ताकि कुछ रह ना जाए, और खुदा ना खासा कुछ रह गया तो फिर कर लेंगे, क्या हो गया, हाँ जो कैशबुक में आना है वो कैशबुक में ही आए, जो बीआरएस में आना है वो बीआरएस में ही आए, जो डेबिट आना है वो डेबिट ही आए, जो क्रेडिट आना है वो क्रेडिट ही आए। नंबर फोर, नंबर फोर करवाए नहीं, पढ़े पढ़े सर जी खुद पढ़े, बस अब खत्म करें बात, क्या करूं, डेबिट करने से और कम हो जाएंगे यार, सर जी क्या होगी, कौन सा लेजर अंडर कास्ट है क्रेडिट साइड पे, क्या बैंक अकाउंट ही की पेमेंट साइड 700 कम क्रेडिट नहीं है, तो हमने भी कौन सा लेजर बनाना है, बैंक अकाउंट ही बनाना ना, तो बैंक अकाउंट कैसे ठीक करूं, बैंक अकाउंट फिलहाल 700 कम क्रेडिट है, यही है सर, कैशबुक से कंफ्यूज नहीं होना, ये बातें ज़हन में रखें, कैशबुक किस लेजर का नाम है, कैशबुक बैंक कॉलम इज सिंपली अनदर नेम फॉर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का लेजर क्रेडिट साइड पे 700 कम टोटल है, और हम भी क्या बना रहे हैं, एडजस्टेड बैंक अकाउंट, 700 कैसे ठीक करूं, क्यों क्रेडिट करूं, कम क्रेडिट है, अगर ये ओवरकास्ट हो जाता फिर डेबिट क्यों करते, ताकि वो डेबिट्स बराबर हो जाए, पूरे हो जाए, ज्यादा हो गए, अगर ये अंडरकास्ट डेबिट साइड होती, अगर अंडरकास्ट होती लेकिन डेबिट साइड अंडरकास्ट हुई होती तो हम डेबिट साइड पे और लिख देते, और अगर डेबिट साइड ओवरकास्ट हुई होती तो कौन सी साइड फाइनल करें, कौन सी साइड ओवरकास्ट हुई हुई है,
सॉरी कौन सी साइड, अंडर कास्ट हुई हुई है, पेमेंट साइड मीन्स क्रेडिट साइड, अंडर कास्ट मीन्स कम टोटल, तो क्रेडिट्स कम हुए हैं, क्या करूं सर, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? आपकी अमाउंट और जगह सही होनी चाहिए, मैं सर मैच, आई रिपीट वंस अगेन, अगर कोई अंग्रेजी में प्लस माइनस हो जाए तो वो इतना इशू नहीं है, प्लीज तो बताएं कहां जाऊं, कहां जाऊं, कहां जाऊं, और साथ आप वर्ड्स वही लिख रहे हैं जो अभी हमें पता चले, अंडर कास्टिंग हुई हुई, मेरे से क्या क्या मैच जरूर होना जरूरी है, प्लीज एकदम फाइनल बोल दो, अमाउंट और लोकेशन और नंबर थ्री डेबिट क्रेडिट मैच हो मेरे से, बाकी अगर इंग्लिश के वर्ड्स प्लस माइनस हो जाए तो इसमें बड़ा इतना इशू नहीं है। चलो आगे, अब क्लियर है, प्लीज फाइव करवाएं, ये ऐसे सर मैंने लिख दिए, इस तरह की ना बेटा, प्लीज छोटी छोटी टेंशन लें, अब मेन फोकस करें, नंबर फाइव है क्या, फोर या फाइव, सर इसकी ट्रांसलेशन करने मेरा ख्याल है ये फंसे ना हो कहीं, डिविडेंड 400 पेड डायरेक्ट टू द बैंक, क्या मतलब है इसका, सेंटेंस की ट्रांसलेशन क्या, पेड डायरेक्टली इन टू बैंक, डिपॉजिट इन टू बैंक है ये, पैसे आए हैं बैंक में, नहीं पहले ये क्लियर करें, पैसे आए हैं गए हैं, पेड डायरेक्ट टू बैंक का मतलब है डिपॉजिट डायरेक्ट टू बैंक, तो पैसे जमा हुए निकलवाए, आए हैं गए हैं, तो बैंक डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट, आपने एंट्री भी लिखी हुई है, बताएं कहां लिखूं सर, कितना लिखूं, क्या रेफरेंस लिखूं, डिविडेंड इनकम, जी अभी सब ठीक है, जी मिस्टर आबिद, नंबर सिक्स लिखे, खुद से लिखे, बैंक चार्जेस कहां लिखने, अमाउंट इज 300, डिसऑनर चेक रिवाइज करें जेन में, चेक मिले तो डेबिटर, बस कर दें यार, बढ़िया होगी, चेक मिले तो एंट्रीज बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, डिसऑनर हो जाए तो डेटर डेबिट, अगर लेजर आप डेटर का बना रहे हो तो उस लेजर में डेबिट होगा, हम कौन सा लेजर बना रहे हैं, तो बैंक के लेजर में क्रेडिट मींस क्रेडिट साइड पे, और रेफरेंस के तौर पे डेटर आ गया, विच मींस अमाउंट 500 हो गई, सब ठीक है सर, वाइंड अप करवा दें, लास्ट में फिर बैंक चार्जेस आ गए हैं, जाएंगे अब ये डेबिट साइड पे, यार एक बैंक चार्जेस अगर क्रेडिट साइड पे है तो दूसरे डेबिट साइड पे होंगे, कमाल है यार, अगर तीसरे दफा जाते सेंटर लाइन पे लिख देते और अल्लाह के चौथी दफा ना ही आए तो पढ़े बगैर कैसे डिसीजन हो सकता है, ये सब करते हैं जी प्लीज यहाँ तक, अब सर पहले देखा करें एक मिनट, अब एक मिनट एकदम टोटल ना करें, पहले बिल्कुल रिलैक्स होकर सिचुएशन देखें, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो हमें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नहीं मिला, ये कल वाली सिचुएशन क्रिएट होगी, क्या करें, अब पहले क्या होगा, कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस आएगा, फिर वो BRS के स्टार्ट में यूज होगा, और इंशाल्लाह फिर हम कहां पहुंच जाएंगे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट तक पहुंच जाएंगे, जरा खुद से पहुंचने की कोशिश करेंगे, करें बनाते हैं तो आप बात सीख कर रहे हैं, ठीक है बिलाल।
जी डियर, कौन सी साइड का टोटल ज्यादा हो गया, कितना हो गया? 4510। डिफरेंस किधर आ रहा है, कितना आ रहा है? तो ये तो आ गया एडजस्टेड, एडजस्टेड बैलेंस किसका, सबका आ गया प्लीज 4110। अब इसको कैसे यूज करूं, कंसंट्रेट करें फुल। पहली लाइन क्या बन गई, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट इज या वॉज, फोर डबल वन जीरो रेफरेंस लिखवाए और डेबिट, और डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, क्या रेफरेंस लिखो? इट इज एडजस्टेड क्रेडिट बैलेंस, देख लीजिएगा तसल्ली से, ठीक है? ठीक है डियर, वाइंड अप करें, सही रेफरेंस के साथ सेंटेंस लिखें। डेटर डेबिट बैंक क्रेडिट, बिलाल साहब तो डेटर का लेजर अगर बनाते हैं तो डेबिट साइड पे होती अमाउंट, और बैंक का अगर बना रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे अमाउंट होगी बाय द रेफरेंस ऑफ डेटर्स। जी डेबिट क्रेडिट टोटल करें, 410 आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है, ये मैं बात करनी है, मैंने हर सवाल में करनी है, अपने सही अपने जेब में रिकॉल करनी है, क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है किसके मुताबिक, बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक, बैंक अकाउंट से शुरू किया हुआ आपने प्लस माइनस, लेकिन वही क्रेडिट बैंक अकाउंट के मुताबिक आ रहा है, वो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बैंक स्टेटमेंट, करें फाइनल करें, बताएं क्या रेफरेंस लिखो इसका, क्या आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्या, क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या, चार सवाल है बीच में, आराम सोच के बताएं, क्रेडिट आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू बैंक अकाउंट, लेकिन डेबिट होगा विद रिस्पेक्ट टू बैंक स्टेटमेंट, एनी कंफ्यूजन? जी नंबर वन के मैं कर तो दिए यार, जी जी सर जी, जो क्रेडिट करना है वो तो हमने करना ही नहीं है क्योंकि वो अकाउंट नंबर टू में मसला है सर, बड़े तेज है नीचे क्योंकि बातें कर ली सर जी, खुदा का नाम लें, सवाल सुनने दे गरीब का, आप तो सीधे हो रहे हैं, मैं तो नहीं सर जी, अकाउंट नंबर टू में हमने कोई करेक्शन अकॉर्डिंग टू सवाल नहीं करनी क्योंकि हमसे अकाउंट नंबर वन मांगा जा रहा है, और गौर से देखे मैंने अकाउंट नंबर वन में करेक्शन की है, अकाउंट नंबर वन में मैंने 1200 डेबिट कर तो दिए सर, पीछे भी तो पढ़िएगा मैंने क्या लिखा है, मैंने एक सेंटेंस बनाया अमाउंट एरोनियसली डेबिटेड इन अकाउंट नंबर टू, तो टू में ही डेबिट हुआ हुआ गलती से, और मैंने करेक्शन की है वन में, क्या गलती यही है जो मैंने लिखी है? वो कम करें सर, सर गलती से अकाउंट नंबर टू में डेबिट हो गए ये मैंने लिखा, और होना था उसे वन में डेबिट, वो मैंने कर दिए, क्वेश्चन फाइव सर, बुक खोले नेक्स्ट पेज सर जी, मैंने खुद बोला क्यों नहीं लिख सकते यार, कमाल सर जी मेरी बात सुनने की कोशिश करें यार,
और लिखवाएं लिखवाएं आप। सर जी मैंने खुद बोला है जो आप बोल रहे हैं, क्यों नहीं लिख सकते? मैंने भी बोला था अमाउंट नॉट डेबिटेड इन अकाउंट वन, लेकिन अभी आपसे रिक्वेस्ट किया कि है मैंने कि इंग्लिश का सेंटेंस आपका डिफरेंट मेरे से हो जाए तो मुझे भी इतराज नहीं और प्लीज आपको भी कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आगे करेक्शन की अमाउंट है और उसका रेफरेंस वो ठीक होना चाहिए। तो यकीनन सेंटेंस दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बताते ये इस तरह अगर आप करेंगे ना तो इससे कोई फायदा नहीं यार, ये कहीं रुक जाए सारे यार, एक मिनट सर ना करें प्लीज, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं प्लीज प्लीज, कोई रेलिवेंट बात करता प्लीज महसूस भी ना हो और कोशिश भी ना करें, यकीनन आप जीत जाएंगे, मैं हार जाऊंगा, ना करें, कंसंट्रेट करें प्लीज। और साथ वाला कम से कम दोस्त ठीक है, वो पिछले मोहल्ले में चले गया, तुम ना करें यार। सर एक बार से क्वेश्चन पूछा गया, आप लोगों को सबको क्लियर है ये बात, मैं आपसे भी पूछूंगा जरा पहले एक मिनट, ये तैयब साहब जरा पहले मेरा जरा जो रिस्पॉन्स सुन लीजिएगा, जो बच्चों से आपने सवाल ये मुझसे किया, मैं जरा बच्चों से पूछ लूं, ये जरा आंसर देखिएगा अपने सामने। मुझसे सवाल ये किया गया है कि बैंक बैलेंस मैच ही नहीं हुआ जो आपने कल किया था, ये सब लोग सोचेगा तो रहेगा, वो कहते हैं मैच तो हुआ कुछ नहीं, ना करें आप नहीं बोलेगा, आप दोबारा हाथ रख आपसे कल बात होगी, ना करिए यार, मैंने वो मेंशन कर दिया, लेकिन बच्चों को चांस देना। मुझसे कहा ये गया कि बैलेंस तो मैच ही नहीं हुआ, नहीं बेटा ये नहीं है, ये नहीं है, गलत तरफ है इस यूज़ का, वो ठीक है अपनी जगह, ये क्या है, ये क्या है, ये सर्कल्स मेरे देखे, मैंने सबका सर्कल लगाने लगा, ये क्या है, ये बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट है, ये क्या है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है, तो सही तो कह रहे हैं मैच तो हुआ नहीं। क्या ये वही फिगर है जो यहाँ है? ये किस चीज की फिगर है और ये जो मैं टिक लगाई किस चीज की फिगर है? क्या ये वही फिगर है जो उठा के नीचे लिख दी है बैंक अकाउंट की? ये फिगर है हमारा इस वक्त बैलेंस ये है 4110 क्रेडिट। बैंक स्टेटमेंट का इस वक्त बैलेंस क्या है? 410 डेबिट। अगर ये बैलेंसेस आपस में इक्वल होते और ऑपोजिट होते तो क्या ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें नजर आती? ये क्यों मैच नहीं कर रहे? यही तो बेटा लिखा है हमने, ये बीआरएस वगैरह का सफा बनाया क्यों है? इस वक्त बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या है? 410 डेबिट। इस वक्त बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या है? 4110 क्रेडिट। इनके मैच ना होने की वजूहत क्या है? 3, नंबर 1 अनप्रेजेंटेड, नंबर 2 नंबर 3 बैंक एरर। अगर ये तीनों काम बैंक वाले कर लें तो क्या हमारा और उनका बैलेंस मैच हो जाएगा? हो जाएगा, आपको पता हो के कितना हो जाएगा? 4110 डेबिट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में हम विल भी बैलेंस लिखा करते थे, तो अब एक मिनट क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकाल। नहीं तो ये सर कोई क्लियर नहीं हुआ, ओके क्लियर, नो क्लियर, ये अजीब क्लियर है। अगर मेरे बात मेरे बताने से क्लियर होना तो बेटा उसका क्या फायदा हुआ? अब हौसला करें जरा, सर जी रजिस्टर में से आंसर निकालना मेरा भाई, सॉरी मैं बताना भूल गया, रजिस्टर में से आंसर नंबर 1 निकालें, क्या खाक पता है सभी देखना है बार बार, उस तरह नहीं पता, जिसना पता होना चाहिए, ये गेम तो बड़ी सीरियस हो जानी है, हो गई है बल्कि। क्वेश्चन नंबर 1 की बीआरएस अगर आप देखेंगे तो मुझे उसमें ढूंढ के बताएं विल बी किसके साथ लिखा होता है? नहीं बैंक स्टेटमेंट में तो ठीक है, लेकिन वो विल बी जो बैलेंस होता है वो किससे मैच हो रहा होता है? बैंक स्टेट बैंक अकाउंट के इस बैलेंस से। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें विल बी किससे मैच हो रहा होता है, लेकिन मैच का मतलब क्या है? अमाउंट तो वही होती है लेकिन रेफरेंस ऑपोजिट होता है, देखें बताएं व्हाट इज द बैलेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एडजस्टेड कैश बुक 36075। मैं कभी नहीं देखूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए, ये मिशन है यार, मेरा हाथ थक जाएगा, मुझे आता है बेटा ना करो ऐसे यार, मेरा कोई खुदा ना खुदा मकसद आपको तंग करना नहीं है,
प्लीज गौर से देखें, मेरे सामने पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ये जो 36075 डेबिट है, इसके नीचे फिर लाइन क्या लिखी हुई है, बल्कि शायद इससे ऊपर लिखी हो, यही 36075 लिखा होगा आपके साथ पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट विल बी, लेकिन उसका फिर रेफरेंस क्या लिखा नजर आ रहा है, तो बैलेंस इक्वल और ऑपोजिट होने का मतलब मैच है, लेकिन जो हमारा इज बैलेंस है वो बैंक स्टेटमेंट में इज होता है या विल भी होगा, बिल भी होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या है इस आंसर में और आपके क्वेश्चन नंबर टू के आंसर में जो रजिस्टर में, डिफरेंट चीज क्या है इस बीआरएस में और उसमें। हमें बैंक स्टेटमेंट का इज बैलेंस पता था और उसी से हमने शुरू किया था, यहां नया मसला क्या बन गया, इज बैलेंस पता नहीं है, देयरफॉर हमने किसके इज बैलेंस से शुरू कर लिया है और किसका इज फाइंड आउट कर लिया है, वहां क्या कर रहे थे, बैंक स्टेटमेंट के इज बैलेंस से बैंक अकाउंट का इज बैलेंस ट्रेस कर रहे थे, और यहां हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं था, इसलिए हमने जरा रिवर्स ऑर्डर में इसे बनाना शुरू कर दिया। अब बात प्लीज क्लियर है सबको, हमारा इज बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के इज बैलेंस से मैच हो जाएगा तो फिर हमें रिकंसिलिएशन की जरूरत ही नहीं है। व्हाई दिस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, बिकॉज देयर आर अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स एंड अ बैंक एरर, जिसकी वजह से हमारा 4110 क्रेडिट बैलेंस बैंक के 410 डेबिट बैलेंस से मैच नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, इसको हमने स्पेसिफाई कर लिया अपने इस पेज पे। अब क्लियर है सबको बात, जी तैयब साहब फाइनल है, जी मिस्टर तैयब अब फाइनल है, ये रियल क्वेश्चन 5। वैसे एक आखिरी सिंपल सॉल्व कर ले, फिर कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब सिंपल का मतलब डेफिनेट फिर ये है कि आपने सारा भी सवाल करवाना है। इन द बुक्स ऑफ द टी कंपनी बैंक अकाउंट शोज अ बैलेंस ओवरड्रॉन ऑफ रुपीज 6530, नेचर बताएं, फाइनल करें नेचर वाई क्रेडिट, बैंक अकाउंट में ओवरड्रॉन बैलेंस मींस हमारी लाइबिलिटी एज एट 31st December 2018। ऑन कंपेयरिंग द बैंक स्टेटमेंट विद द कैश बुक द फॉलोइंग आइटम्स वर डिस्कवर्ड, पहला पढ़ें बताएं क्या करेंगे, बैंक चार्जेस का पहले बताएं क्या करेंगे, ओमिट हो गए, कहां क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, कहां बैंक अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एक नई चीज सर बीच में आ रही है, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, ओवरड्राफ्ट का मीनिंग बताएं। अच्छा ये डिमांड ड्राफ्ट नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट क्या चीज है, वो तो वो क्रॉस चेक है जो डिसऑनर नहीं होता, ये ओवरड्राफ्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओवरड्राफ्ट किसके लिए कौन लफ्ज है, बैंक ओवरड्रॉन के लिए, और बैंक ओवरड्रॉन बैंक ओवरड्राफ्ट किसके लिए लफ्ज है, बैंक लोन के लिए। तो ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट मींस लोन इंटरेस्ट, और लोन इंटरेस्ट मींस आपका एक्सपेंस है आपकी इनकम, नोट करें सब कुछ इसके बाद। अब ये बुक आपके पास है, इस पे लिखा करें, और पिछले दिनों में अगर कुछ चीजें आपने अपने वो 3-4 पेजेस जो मैंने एक्स्ट्रा दिए थे उस पे लिखी हैं तो उसको कन्वर्ट कीजिएगा इस पे, ठीक है, कर लेंगे। तो प्लीज व्हाट इज द मीनिंग ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, व्हाट इज द मीनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्रॉन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक ओवरड्रॉन, बैंक लोन, एंड फाइनली इट इज अ लायबिलिटी, और लोन पे अगर इंटरेस्ट है तो इट इज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। बोले इसकी एंट्री, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, लिखे बैंक चार्जेस की एंट्री क्या है, बैंक चार्जेस डेबिट बैंक क्रेडिट, और इकट्ठा करके अगर हम बोल सकें बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, बारे कोई कंपलसरी नहीं है कि दोनों इकट्ठा बोला जाए। व्हाई ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, क्योंकि लोन है, लोन पे इंटरेस्ट है, इनकम हो सकता है कभी नहीं, इंटरेस्ट इनकम हो सकता है, अगर आपका एक्स्ट्रा बैलेंस पड़ा और उस पर अगर इंटरेस्ट मिल रहा है फिर इनकम है, और अगर हमने एक्स्ट्रा पैसे लिए हुए, एक्स्ट्रा लिए हुए
तो फिर उस पर इंटरेस्ट आप देंगे। बहरहाल फाइनली ये मुझे बता दें, अगर ये ओमिटेड है, ओमिटेड मीन वैसे के एक ओमिटेड है मतलब के ओमिट लिखा नहीं है, रह गए ओमिट ओमिजन मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ पहले, तो क्या रिकॉर्ड नहीं, कहां रिकॉर्ड करें? कैश बुक में दोनों को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नंबर टू पढ़ा, बताएं पढ़ के क्या है, कैसे पता चला? नहीं मतलब कैसे पता चला, चेक्स रिसीव्ड, चेक रिसीव हुए नॉट येट क्रेडिट, हमने क्या किया होगा, डेबिट किया होगा, अनक्रेडिट चेक्स है। थर्ड नंबर, चेक्स ड्रॉन इन फेवर ऑफ सप्लायर्स, हमने लिखे हैं, आर आउटस्टैंडिंग, एक और वर्ड भी आया था, अभी कुछ वर्ड भी याद रखने हैं। आउटस्टैंडिंग चेक्स किसका दूसरा नाम है, अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है। फोर्थ मेरे से सुने जरा, फोर्थ और फिफ्थ में कुछ वर्ड जरा हाईलाइट करें, शुरू में जो है क्रेडिट ट्रांसफर, और फिफ्थ में जो है डायरेक्ट डेबिट। ये बेटा जो दो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए ना, ये बैंक के एंगल से हैं। मसलन आजकल ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग का जमाना है, तो क्रेडिट ट्रांसफर ये बैंक एंगल से वर्ड है, पैसे आए हैं या गए हैं, डायरेक्ट डेबिट, ये वर्ड्स बैंक के एंगल से लिखे हुए हैं। मसलन यार नंबर फोर पूरा पढ़ा जरा, अ क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम कस्टमर वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ट्रांसलेशन करें इसकी, क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसे आए हैं तो क्रेडिट क्यों कह रहा है, बैंक के हवाले से, क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम कस्टमर, अंडरस्टूड बात है कि बैंक की बात हो रही है, कहां रिकॉर्डेड नहीं है, तो क्या पैसे आए हैं गए हैं, आप क्या करेंगे, पूरी एंट्री बोल सके अगर, बैंक डेबिट और कस्टमर से आए हैं, डेटर क्रेडिट, लिखें, लिखा करें, लिखा करें। क्रेडिट ट्रांसफर, बैलेंस बड़ा कम हुआ, किसके एंगल से वर्ड जाएंगे, अब डायरेक्ट डेबिट मींस फिर मसलन फॉर एग्जांपल हमारे किसी कस्टमर ने कहा कि मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दें, तो वो क्या वर्ड यूज करेगा, मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट करके किसके अकाउंट में क्रेडिट कर दें, जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराने हैं, जिसके अकाउंट में पैसे बढ़ाने हैं। तो इसी तरह अगर हम कह दें कि हमारे अकाउंट से पैसे काट के हमारे किसी सप्लायर के अकाउंट में डिपॉजिट कर दें, तो हम वर्ड फिर हमारे लिए क्या वर्ड यूज होगा बैंक के एंगल से, डेबिट कहेंगे या क्रेडिट कहेंगे। तो डायरेक्ट डेबिट टू अ सप्लायर मीन्स बैलेंस बढ़ा या कम हुआ, क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम अ कस्टमर मीन्स, यहां तक फ्रॉम कस्टमर टू सप्लायर तक हाईलाइट कर लें। नंबर फोर का एंट्री बता दें, क्लियर हो गया सबको, क्या क्लियर हुआ है, एंट्री बताएं क्या क्लियर हुआ है, बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट, और लास्ट वन इसकी भी एंट्री बताएं, क्रेडिट है डेबिट, बैंक क्रेडिट, लिखें दोनों लिखें, क्रेडिटर डेबिट, ये क्या मतलब क्रेडिटर डेबिट, क्यों लायबिलिटी क्यों कम होगी, तो हमारे गांव में तो पैसे बढ़े हैं डेबिट हुए, और डेबिट हुए हैं, तो क्रेडिट ट्रांसफर मींस बैलेंस बढ़ा, और डायरेक्ट डेबिट मींस बैंक एंगल से डेबिट मींस कम हुए बैलेंस, और क्रेडिट मींस बैलेंस बढ़ा, क्लियर है। अब करना बेटा क्या है, आपके ना पेपर में कुछ ना एमसीक्यूज भी आने हैं, आपके इस पेपर में कुछ 10-12 नंबर के एमसीक्यूज भी हैं, तो नीचे जरा देखें, ए और बी दो पॉइंट्स बने हुए और इसमें फिर ऑप्शंस है। व्हाट फिगर विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, ये किसे कहते हैं, फुल कंसंट्रेट करना इस वक्त, व्हाट फिगर विल बी शोन इन द बैलेंस शीट मीन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ही का एक और नाम है फॉर बैंक ओवर ड्राफ्ट मीन्स, बैंक ओवर ड्राफ्ट मीन्स बैंक लोन। अब बैलेंस शीट मीन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा जहन में लाए, है क्या जहन में, सबसे पहले क्या लिखते हैं, एसेट्स, फिर टोटल हो जाता है, आगे क्या लिखते हैं, फिर कैपिटल एंड लायबिलिटीज में पहले क्या लिखते हैं,
कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स, उससे आगे क्या लिखते हैं? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में पहले को दो तीन चीजें बता दें, क्रेडिटर्स और लोन। तो क्या अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का कोई बैलेंस हो और वो बैंक लोन अगर है, तो क्या हमारी बैलेंस शीट में फिर लायबिलिटीज में होना चाहिए? तो इस रिक्वायरमेंट को दोबारा पढ़ के बताएं, फिर वो क्या मांग रहा है? नहीं, पूरा पढ़ के, पूरा पढ़ के। इस रिक्वायरमेंट में उससे क्या मांगा हमसे? उससे कहा जो बैलेंस शीट में लोन की अमाउंट आनी है वो बताएं। अब एक मिनट रुक के अगर हम सब कुछ रिवाइज कर लें कि बैलेंस शीट अगर बनानी है तो उससे पहले बना क्या क्या होना चाहिए, ये सीक्वेंस हमेशा सही ज़हन में रखिएगा, तब बात बननी है। सबसे पहले बेटा जनरल बनता है, जनरल से फिर क्या बनता है? लेजर्स के सीरीज से फिर ट्रायल बनता है, और ट्रायल बैलेंस में पांच मेन हेड्स आ जाते हैं। हमारे तो एक नहीं आ रहा, पांच कैसे हैं? डेबिट कॉलम जो हो, जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम होता है, उसमें एसेट्स और एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंसेस एक्युमुलेट हो जाते हैं, और क्रेडिट कॉलम में आप बता दें। फिर अगर ट्रायल बैलेंस बन जाए तो इनकम स्टेटमेंट से मिलाएं, इनकम और एक्सपेंसेस उठा के इनकम स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर देंगे, डेबिट साइड से एसेट्स उठा के बैलेंस शीट में लिखेंगे। डेबिट साइड कहां से? ट्रायल की, और कैपिटल और लायबिलिटीज क्रेडिट कॉलम से उठा के लिखेंगे। तो क्या बैलेंस शीट में, क्या बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस से फिगर्स आती हैं एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल की? तो ट्रायल बैलेंस में फिगर्स कहां से आती हैं? लेजर्स से। तो क्या लेजर्स में कोई बैंक का लेजर भी होगा? अगर बैंक के लेजर में डेबिट बैलेंस हो, अगर बैंक के लेजर में कोई डेबिट बैलेंस हो, तो उस डेबिट बैलेंस को उठा के एसेट्स में लिखेंगे। क्यों? क्यों? डेबिट बैलेंस हमारे एसेट्स में आएगा। और अगर इसी बैंक के लेजर में क्रेडिट बैलेंस हो, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से लायबिलिटीज में आएगा। तो इस रिक्वायरमेंट का सिंपली मतलब फिर ये हुआ कि हम बैंक अकाउंट बनाएंगे और उसका एडजस्टेड सीडी या अनएडजस्टेड सीडी, एडजस्टेड सीडी जो फिगर होगी वो अमाउंट बता देंगे कि इसने बैलेंस शीट में आना। इस रिक्वायरमेंट को दोबारा पढ़ें और आज के बाद क्या जहन में आना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट पढ़ लें। अगर इस रिक्वायरमेंट को कभी दोबारा पढ़ेंगे तो आपके जहन में क्या आना चाहिए कि हमने क्या बनाना है? एडजस्टेड बैंक अकाउंट। और एडजस्टेड ढूंढना है या अनएडजस्टेड ढूंढना है? क्या बैलेंस शीट में गलत फिगर्स आ रही होनी चाहिए या सही फिगर्स आ रही होनी चाहिए? और अगर कोई गलत फिगर अवेलेबल है तो उसको ठीक करके फिर अल्टीमेटली अपीयर होना चाहिए। तो एडजस्टेड बैंक अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हमें ढूंढना है, और लग ही रहा है कि शायद इस रिक्वायरमेंट की वजह से कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट उसने एंड में वर्ड लिखा है कि फिर इस लेजर में एडजस्टेड क्रेडिट बैलेंस आएगा। सबको क्लियर है मेरी बात? जो मैंने बोला उसको शॉर्ट वर्ड्स में इसी के साथ को लिखने की कोशिश करें, क्वेश्चन के साथ। आगे जगह ना मिले थोड़ा सा नीचे करके लिखना, स्पेस है। दिस रिक्वायरमेंट मींस वी हैव टू प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक। And find out the adjusted balance. मेरी किसी बात से confusion हुई हो, जो कुछ मैंने बोला पिछला जहन में आ गया? और सर जी आ गया सर, अभी वर्किंग करते हैं। बी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, एक बी पार्ट है। Assuming that above items are all that are required to reconcile the cash book balance to the balance as per bank statement, what balance did the bank statement show? आराम से पढ़ें, तसल्ली से पढ़ के बताएं। बैंक स्टेटमेंट का
इज बैलेंस मांग रहा है या विल भी मांग रहा है? कैसे पता हमें? क्या पता यार, हमें पता है यार, इतने भी माशाल्लाह मासूम नहीं है। क्या इसी दिन का मांग रहा है, आज का ही मांग रहा है? Yes, उसी डेट का ना, ऊपर फर्स्ट टाइम में रहेगा। 6530 ढूंढना है सबसे फर्स्ट लाइन में, 6530 अपने पास इधर उधर। ये बुक क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? मैसेज भी आ रहे हैं, कल से आ रहे हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं कि मैसेज पढ़ूंगा। आ जाए तो आज फिर कैसे लूं? मैं तो कल लूंगा अगर आ जाए तो। 6530 किसका बैलेंस है? और सर जी किसका बैलेंस है? सर 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 कैश बुक का बैलेंस है। एडजस्टेड है ना? एडजस्टेड है, वजह 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 क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट है। तो क्या बड़ा, इस बैलेंस से हम कोई एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकाल सकते हैं? और क्या अगर एडजस्टेड बैलेंस आ गया तो उससे फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के बैंक स्टेटमेंट का इस बैलेंस भी ढूंढा जा सकता है? तो ये बी रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़े। क्या फाइनली मैं कह सकता हूं कि इस बी रिक्वायरमेंट में वो हमसे कोई बीआरएस चाहता है? लेकिन कहां से शुरू करके कहां तक पहुंचना चाहता है, हमें कहां से शुरू करवा के कहां तक पहुंचाना चाहता है? तो पहले अब हम क्या करेंगे, अनएडजस्टेड बैलेंस से एडजस्टेड फाइंड आउट करेंगे, उसकी बेस पे बीआरएस इंशाल्लाह बनाएंगे, और कहां तक इंशाल्लाह एंड करेंगे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज बैलेंस पे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करें। ये सर स्टार्ट में सर जो जो फिगर आती है वंस अगेन डिसीजन है। 6530 क्या करें? स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप क्विक डिसीजन कहां लिखें? 6530 ठीक है ठीक है। पॉइंट नंबर 1 5 1 बैंक चार्जेस किस तरफ लिखें? कितने ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट किधर लिखें? वजह तो एक्सपेंस और डेबिट होता है, लेकिन ये एक्सपेंस का लेजर नहीं है, ये बैंक का लेजर है। अनक्रेडिटेड चेक्स बैंक अकाउंट में कहां लिखें? नहीं नहीं कहां लिखें? लिखें फर्स्ट लाइन छोड़ के। किसके लिए छोड़िए? अनक्रेडिटेड चेक्स की अमाउंट है 1900। डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। $2300 क्या चीज है? अनप्रेजेंटेड चेक्स। उस्मान किस चक्कर में पड़ जाता है यार, ये बीडी है ही नहीं उस्मान, फिर उन्हीं चक्करों में एक ही सवाल में फंस गया, फिर उसी को भेजना शुरू हो जाएगा और ये बीडी नहीं है। सवाल ठीक है जी डियर, क्रेडिट ट्रांसफर का क्या करूं? नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ना 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 ना
कितना? अच्छा इसका रेफरेंस भी, क्योंकि हमें एक सही पता है तो लिखना चाहिए, कस्टमर से मिले हैं, डेटर। लास्ट वन 1000 रेफरेंस, सप्लायर क्रेडिटर, कोई बैंक एरर। सही वाइंड अप करें, दोनों चीजें सही वाइंड अप करें, आप सोचें फाइनल डिसीजन लें। आने दे सर, टोटल बताइएगा। 7680, 7680 बैलेंस करें। 5680 अच्छा साथ साथ रहा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन बताएंगे कौन सी सही है। नहीं ऊपर वाली लाइन भी तो पड़े, क्या ये ओवरड्राफ्ट अमाउंट है? और ये तो डेबिट बैलेंस आ गया, देख नहीं गलत कराने बार बार यार। 5680 ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो क्या ऑप्शन बी फाइनल है सर? जी अब फाइनल करें। बीआरएस बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट। अच्छा ये बेटा इस वगैरह वर्ड है ना, ये डेफिनेटली इस पर लगाते तो जाएं हम, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप ये वर्ड ना भी लगाएं तो मतलब क्वेश्चन में लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको होना क्लियर चाहिए, लिखते जाएं। लेकिन अगर कभी नहीं भी लिखेंगे मेरे ख्याल, जब हम बड़े हो जाए शायद कुछ दिनों में, एक दो दिनों में, तो शायद हम लिखना छोड़ देंगे। तो अब ये एक एक दिन में बड़े होना है सर, देख आपको क्या मतलब, छह छह महीनों में खुदा ना खासा, ये मुसलसल सर डेली बेसिस पे बड़े होना। तो कुछ बच्चे तो घर में बैठ के बड़े हो गए। बीआरएस बनाए सर, घर में नहीं बड़े होना, इकट्ठे मिलजुल के बड़े होना, कुछ मैं खींचूंगा कुछ आपने कोशिश करनी है। जी डी बीआरएस का टोटल हो रहा है सर, बताइए जरा। 5280 का सही रेफरेंस हो जाए, 5280 स्टेटमेंट क्या लिखूं यहां? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज, ठीक है, क्रेडिट आ रहा है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक डेबिट होगा, ना करें शेयर, फाइनल करें सही तरह। डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, किसके एंगल से क्रेडिट आ रहा है, किसके एंगल से फिर डेबिट होगा, ये बड़ा शेयर, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन तो मैच कोई भी नहीं हो रही, ना 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 ना, सिर्फ अमाउंट तो नहीं ना देखनी, साथ ये भी तो देखना है कि ओवरड्राफ्ट तो ये कोई नहीं है। 5280 फिगर तो मैच हो गई है, लेकिन नेचर तो मैच नहीं हो रही। अब जाने दे, डेबिट बैलेंस है यार, कमाल है, आप लोगों को भी समझ नहीं आ रही है। ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमारा लिए क्या होता है और बैंक के लिए क्या होगा? हमारा क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट है और ओवरड्राफ्ट बैलेंस बैंक के एंगल से डेबिट होगा। तो प्लीज बात क्लियर है सर, क्यों फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, ये 5280 अमाउंट भी ठीक है और ओवरड्रॉन भी ठीक है, लेकिन यहां से ओवरड्रॉन का मतलब डेबिट बैलेंस क्यों है? बैंक स्टेटमेंट के एंगल से बात हो रही है, नहीं प्लीज क्लियर करें बात।
सब कुछ क्लियर है प्लीज? एनी कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 6 टाइम है, देख ले घड़ियां, देखना टाइम है मेरा, खाला जल्दी 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 फैसला कर ले, टाइम है क्लास का टाइम थोड़ा बढ़ा लें, थोड़ा बढ़ा लिए सर, थैंक यू, जजाक अल्लाह, तुम शर्मिंदा करते हैं, रिक्वायरमेंट पढ़े सर, क्वेश्चन नंबर 6 स्पीड अप हो जाए, बेटा आप ही लगा सब ना डरे यार, कमाल है ये, कोई डरने वाली क्या बात है, एमसीक्यू इतना बड़ा होगा, ओके एमसीक्यू ये होगा कि जो दिल करे बता दे, क्वेश्चन नंबर 6 रिक्वायरमेंट प्रिपेयर बीएनएस आल्सो प्रिपेयर व्हाट एडजस्टेड कैश बुक्स, फर्स्ट लाइन से शुरू करें, 31 मई 15 ध्यान रखिएगा, ना करें प्लीज कोई डिस्टर्बेंस नहीं करनी, फर्स्ट लाइन सर, समरी ऑफ द कैश बुक ऑफ रेक्टिफाई कंपनी रेक्टिफाई को फॉर द ईयर 2 31 मई 15 कैश बुक दीवी समराइज फॉर्म में, एक लेजर है सर, कैश बुक कौन सा कॉलम होगा ये, देयरफॉर ये बैंक अकाउंट का एक लेजर बना हुआ है, व्हाट इज द ब्रॉट डाउन बैलेंस, हाउ मच रिसीट्स, हाउ मच रिसीट्स, हाउ मच पेमेंट्स, व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस, सर्कल लगाए सर 3222 को, और कंसंट्रेशन से मेरा एक क्वेश्चन सुने जरा, फर्स्ट करें नीचे क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चला कि कैश बुक में कोई एडजस्टमेंट है, तो बताएं किस बैलेंस को हम अनएडजस्टेड कहेंगे, ब्रॉट डाउन को या कैरेट डाउन को, वाकई ब्रॉट डाउन सर जी, छोटी छोटी बातें फाइनल करें, क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढने जल्दी से, 2-3 सवाल पीछे जाए जल्दी जल्दी, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 अरे जिससे बनी है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपके नोट्स में होगा, ये आंसर नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 या पेजेस ढूंढे या क्वेश्चन नंबर 1 एक दो एक पीछे चले जाए, 8000 ढूंढे, 2250 ढूंढे, क्या हमने जब कैश बुक बनाई थी एडजस्टेड कैश बुक तो 2250 से नहीं शुरू की, तो कौन सा बैलेंस अनएडजस्टेड हो जाता है अगर एडजस्टमेंट्स रहती हो, क्लोजिंग बैलेंस बिकम्स अनएडजस्टेड अगर एडजस्टमेंट रहती है, मतलब क्या है, क्लोजिंग बैलेंस तक एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, कुछ रिसीट्स पेमेंट्स रिकॉर्ड तो हो गई हैं, लेकिन अगर कुछ रह गई हैं तो वो भी क्लोजिंग में लिख के उसको फाइनल करना है, तो प्लीज क्लोजिंग बैलेंस बिकम्स अनएडजस्टेड अगर एक या एक से ज्यादा एडजस्टमेंट्स रहती हो, याद रहेगा प्लीज, अब याद रहेगा सर, आफ्टर सम इन्वेस्टिगेशन, नेक्स्ट लाइन आ जाए वापस, द कैश बुक एंड द वॉचर्स, अब वॉचर्स वो रसीदें होती हैं, कभी आपने जब कॉलेज में फीस जमा कराई हो तो आपको एक पेज मिलता है कोई, तो वॉचर्स रसीदें, आफ्टर सम इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कैश बुक एंड वॉचर्स यू डिस्कवर दैट, एक एक बात पे फुल कंसंट्रेट, नंबर 1 पढ़ें, बताएं कहां क्या करेंगे, कैश बुक में 143 क्रेडिट करेंगे, मैं फाइनल आंसर्स बोलूंगा, पहले आपने सोचना, पॉइंट नंबर 2 पूरा पढ़ना और कॉमे पे रुक जाए, 89 के बाद एक छोटा सा कॉमा, बाकी बाद में पड़ेगा, यहां तक बताएं क्या मतलब है, मिस्टेक हुई है, ठीक है, कहां मिस्टेक हुई है, कैश बुक में क्या मिस्टेक हुई है, ये पेमेंट का चेक था या रिसीट का, हमें क्या पता, ड्रॉन हमें पता है, हम चेक लिख रहे हैं, हम चेक कब लिखेंगे, जब पैसे आएंगे, अगर चेक लिखने से पैसे मिलते होते तो हम जिंदगी के सारे काम छोड़ देंगे और सिर्फ चेक लिखा करेंगे, अम्मी ने कहा बेटा खाना खा लो, अम्मी आ रहा हूं, 2-3 बार चेक लिख दूं, खाना अम्मी कल खा लूंगा, चेक लिखने से पैसे नहीं आते, किसी ने अगर चेक लिखा हो हमारे लिए तो फिर पैसे आएंगे,
हम अगर चेक लिख रहे हैं, सोच लें, तसली सोच लें, तो वो लिखने को दिल भी नहीं करता। क्यों नहीं दिल करता? वो किसी को देंगे तो पैसे निकाल लेगा, किसी को क्रॉस करके देंगे अपने अकाउंट में जमा करा लेगा। और अगर हम भी लिख के लेके जाएंगे बैंक में, तो हम भी उसके अगेंस्ट कैश बैंक से निकलवाएंगे। तो चेक कब लिखा जाता है? जब आपका बैंक क्रेडिट होना होता है या डेबिट होना होता है। तो कितने का ये चेक था और कितने पे रिकॉर्ड हुआ है? कम क्रेडिट हुआ है या ज्यादा क्रेडिट हुआ है? ये क्रेडिट मुझे कैसे पता चला? चेक ड्रॉ किया है, पेमेंट का चेक है। तो कितने से और क्रेडिट हो जाना चाहिए? डिफरेंस लें, डिफरेंस लें। तो क्या होना चाहिए इसका? 9 से क्रेडिट करके करेक्शन हो जाएगी। अब कॉमन से आगे जाए, एनदर ड्रॉन, एक और लिखा, कितने का? हैज बीन एंटर्ड एज, क्या चीज क्या बन गई? एक चेक लिखा, किस तरफ आना चाहिए था इसे? क्रेडिट साइड पे। और आया किधर? क्रेडिट साइड पे। हमें क्या पता डेबिट साइड पे आ गया, हमें कैसे पता? तो रिसीट्स किधर होती हैं? तो कहां की बजाय कहां आ गया? ठीक, कैसे करें? हुए तो आए बड़ा कहिए, आप जो भी परेशान थे थोड़ी देर पहले, नहीं पीछे बना मेरा भाई, ये बेटा 230 इधर आना था, क्रेडिट होना था, हुआ क्या? ये इधर आ गया। अब इसे इधर कैसे पहुंचाऊं? नहीं, इसे इधर कैसे लेके जाऊं? मिटा के ले जाता हूं। नहीं, लेकिन मिटाए बगैर भी तरीका है। नहीं, कोई जादू नहीं भाजन, ये जादू क्लास नहीं है, यही खतरा था मुझे। ना करे यार, क्या होगा? तुझे पता था मेरे ताल्लुकात खराब है, तू कुछ भी करेगा गलत ही हो जाना। ना कर यार, जादू रहने तेरी मेरे, वो फिर आप आ जाएगा ना, मैं उधर बैठ जाऊंगा। फिलहाल अकाउंटिंग थोड़ी पढ़ ले। कोई तरीका है कि जादू किए बगैर ये 230 उधर पहुंच जाए? नहीं, सीक्रेट नहीं। एक दफा तो क्रेडिट करना, बस सीरियस, एक काफी है। सिर्फ एक से क्या होगा? ये कैंसिल होगा, जीरो हो जाएगा। एक अकाउंटेंट की नजर से ये लेजर पड़े जरा, इस वक्त ये वाला अफसर जी, इधर इधर 230 डेबिट भी लिखा हुआ है, क्रेडिट भी लिखा हुआ है। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ दिस लेजर? 460। ये डॉक्टर का आंसर है, जीरो हो गया हुआ। अब इसे ठीक कैसे करूं? 230 और लिखूंगा मैं, और क्रेडिट करूंगा। इन अदर वर्ड्स, डबल से ये करेक्शन करनी पड़ेगी। 460 बन जाएगा डबल करके। तो 460 से अगर क्रेडिट कर दिया जाए तो क्या मसला रिजॉल्व हो जाएगा? नंबर थ्री पढ़ा, फाइनल बताएं क्या करें। अच्छा, ये वाले वर्ड्स अंडरलाइन कीजिएगा, पर जरा देखिएगा, मार्क्ड रेफर टू ड्रॉअर। नहीं, इसका जरा मीनिंग थोड़ा सुन लें जरा। अब मैंने आपसे कहा ड्रॉन का मतलब होता है लिखा, ड्रॉअर उसको कहते हैं जिसने चेक लिखा हो, और ड्रॉई उसे कहते हैं जिसके लिए लिखा हो। ड्रॉ लिखना, ड्रॉअर कौन है? जो चेक लिख रहा है, और जिसके लिए लिख रहा है उसके लिए डबल ई लग जाता है। तो ये वर्ड्स हो गए मार्क्ड रेफर टू ड्रॉअर। सेंटेंस पीछे से पढ़ा, बैंक ने एक चेक वापस भेजा है और ये उस पर लिख दिया है कि दोबारा उसी के पास जाएं जिसने ये चेक लिखा था। तो दीज वर्ड्स आर एन इंडिकेशन फॉर डिसऑनर चेक। लिखे इसके ऊपर किन वर्ड्स का इंडिकेशन बता रहा हूं, दोबारा किसके पास जाएं, क्यों उसने उसके पास भेजा होगा? क्योंकि या तो ये सही नहीं होगा और या ये क्लियर नहीं होगा, ये क्लियर नहीं होगा फाइनली। तो इट इज एन इंडिकेशन, दीज वर्ड्स आर इंडिकेशन फॉर डिसऑनर चेक। रिकॉर्ड करें, ये लिखे साथ। बट आज़र वही करेंगे ना यार, आप जरा ट्रांसलेशन करें, क्या ये चेक मिला था? बट से आगे पढ़े अगली लाइन, थर्ड पॉइंट, क्या इसे राइट बैक हो जाना चाहिए? ये क्या मतलब राइट बैक? ये अकाउंटिंग या टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड करनी है आपने। राइट बैक का मीनिंग लिखे रिवर्स,
रिटन बैक, बल्कि रिटन बैक लिखा नॉट येट बीन रिटन बैक। रिवर्स, किसको रिवर्स होना चाहिए? अब इस चेक को, इस चेक को, इट मींस उसे एंट्री का रिवर्स होना चाहिए जो हमने पहले की होगी, पहले क्या की होगी। अब ये भी चेक रिसीव हुआ है, ये ऑब्वियसली बताया हुआ, तो उलट करके फाइनली बोले क्या होगी, डेटर डेबिट बैंक क्रेडिट। नोट करके आगे चला, कोई कंफ्यूजन? छुट्टियां हो गई सर ज्यादा? मैं ही हूं सर, काफी दिन बाद आया है। लेनी है या लेनी है? अच्छा ठीक। नंबर फोर सर, क्लियर है सर? ये नंबर थ्री फाइनल बोलने क्या करेंगे इसका, बैंक के लेजर में इसका क्या करेंगे, देख के एंट्री रही, देख के देख के बैंक के लेजर में एडजस्टमेंट करते हुए क्रेडिट कर देंगे। नंबर फोर में एक नए वर्ड जा रहे हैं, एरर ऑफ, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। क्या होता है? नीचे आए जरा क्वेश्चन के, रिक्वायरमेंट के नीचे आ जाएं, एक नोट के नीचे एक वर्ड पढ़े, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन मिला कहीं? एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन उस एरर को कहते हैं जिसमें अमाउंट जो है, अमाउंट में जो डिजिट्स होते हैं, फिगर्स होती हैं, वो आगे पीछे हो जाएं। मसलन जरा एक चंद की एग्जांपल सुनाए, फॉर एग्जाम्पल एक अमाउंट 250, मैंने इसको ऐसे लिखा, क्या सारे डिजिट्स वही हैं जो इसमें थे 250 इसमें भी हैं, लेकिन क्या ये फिगर गलत है, क्या ये अमाउंट गलत हो गई? तो डिजिट्स वही हो जो थे, लेकिन अगर आगे पीछे हो रहे हैं तो दिस एरर इज कॉल्ड एज एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। नहीं, फॉर एग्जांपल एक और देखें, सपोज एक अमाउंट थी 1005, मैंने उसको लिखा 5100, बताएं इज इट एन एरर ट्रांसपोजिशन? और सर इट इज एन एरर ट्रांसपोजिशन, क्या मतलब है? डिजिट्स वही हो लेकिन अपनी जगह से हिल जाएं, आगे पीछे हो जाए। जस्ट एक मिनट, एक और एग्जांपल, जी एरर है, और सर एरर है, एरर तो है लेकिन कौन सा नहीं है? क्यों क्यों क्यों? तो एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फिगर्स वो कितना है, कितना है, कितना है, कितना है? 805 डेबिट बैलेंस है, वो क्रेडिट बैलेंस है, वो डेबिट साइड पे है, ओपनिंग है, लेकिन तो ओपनिंग बैलेंस की बात हो रही है, सेंटेंस पूरा करें, शुड हैव बीन ब्रॉट डाउन एट, दिखा कितना नजर आ रहा है 805, होना कितना चाहिए, क्या एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है? एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है। अच्छा बेटा, एरर बरल हो जाए वो ठीक है, ट्रांसपोजिशन है या नहीं है, असल इशू ये कि आपको करेक्शन करनी है, तो ठीक है एरर ट्रांसपोजिशन, आई होप कुछ समझ आ गए, सही कैसे करें? 805 डेबिट हुआ हुआ है, इसकी जगह होना क्या चाहिए था? तो क्या 45 से इसे भरना है? भरने का मतलब डेबिट होना, तो ये करेक्शन कैसे हो जाएगी कि अगर हम 45 से डेबिट कर दें, कहां कर दें, कहां कहां? बैंक अकाउंट में कर दें। नंबर 5 पढ़ के फाइनल बता दें, सिक्स थर्टी के है और 8580 के है। पेमेंट्स इनटू बैंक मींस
डिपॉजिटेड इन टू बैंक्स, बार बार ही आपको याद करना पड़ना देना। एनी कंफ्यूजन? 630 जो है डेबिट होके आएगा बीआरएस में, और 580 जो है क्रेडिट होके आएगा? नहीं सर, बीआरएस में आएगा, दोनों अनक्रेडिट चेक में ही आएगा ना। अब एक अगर वहां आ गया तो दूसरा वहां आएगा, ये वाली बात तो कभी नहीं हुई। दोनों कहां आएंगे? अनप्रेजेंटेड चेक्स डेबिट होके और अनक्रेडिट चेक्स क्रेडिट होके। नंबर 6 आराम से पढ़ें और मुझे फाइनल बताना है कि कहां कैसे करेक्शन करें। खामोशी से अपनी अपनी करने जहन में, बच्चों को चांस दें। ठीक है, ठीक है। बीआरएस में क्यों बैंक का एरर है? ठीक है, बैंक का एरर है। क्या करेंगे बीआरएस में? 82 क्या हो गया, कैसे ठीक करें? तो क्या अगर 82 से बीआरएस में क्रेडिट कर लें तो आप एग्री कर जाएंगे? एनी कंफ्यूजन? अगला पढ़े नंबर 7, बल्कि 1 सेकंड, 1 सेकंड, नंबर 7 के लिए शायद आज एंड में टाइम निकालते हैं। नंबर 8 पहले पढ़ें, नंबर 6 पढ़ें दोबारा। 82 डेबिट हुआ है टू द कंपनीज अकाउंट इन एरर बाय बैंक। किसका एरर है? कहां ठीक करेंगे? बीआरएस में। क्या एरर है? क्या डेबिटेड टू द कंपनीज अकाउंट इन एरर? नहीं, अच्छा ये वाली बात चले, अगर आपको बोल दी है तो मैं बोल ही दूं। क्या ऐसे तो नहीं कि ये क्रेडिट होना था और डेबिट हो गया? ये भी हो सकता था, लेकिन द सेंटेंस इज ओनली कि बैंक ने गलती से डेबिट कर दी है। क्या क्रेडिट करने की बजाय कर दी है? ये हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं। यकीनन अगर ये हो गया क्रेडिट की बजाय डेबिट हो गया तो वो एक अलग इशू है, लेकिन सिंपली द सेंटेंस इज कि बैंक ने गलती से डेबिट कर दी है। देयरफॉर हम ठीक कैसे करें? क्रेडिट करके कैंसिल कर दें, शायद हमारा डेबिट है ही नहीं। हाँ, अगर क्रेडिट की बजाय डेबिट हो जाए तो ऑब्वियसली फिर वो डबल से क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? फिर वो डबल से होगा, लेकिन इस केस में सिंगल से क्यों? क्योंकि द सेंटेंस इज के गलती से डेबिट कर दी। नंबर 7 रहा, 1 सेकंड छोड़े, पता नहीं अब इतना टाइम आ जाए या नहीं। पहले 8 पढ़े जरा। पेज ऑफ द रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक फाइनल कीजिएगा। रिसीट साइड कौन सी है सर? अंडर ओवर कास्ट, सॉरी अंडर कास्ट, ओवर अंडर ही लिखा हुआ, ठीक है। तो कौन सी साइड अंडर कास्ट है? क्या करें? नहीं सर, डेबिट करें। सर जी डेबिट साइड अंडर कास्ट मीन्स कम कास्ट है, कम टोटल है सर, फिर वही सर ओवर कास्ट है। और सर जी ओवर कास्ट करके फिर दोबारा ठीक करेंगे? ओवर कास्ट नहीं करना, सही करना है। जितने से अंडर कास्ट है उतने से पूरा कर दें। अगर ओवर कास्ट हमने कर दिया तो फिर एग्जामिनर हमें बुला लेगा दोबारा, क्योंकि वो मिस्टेक फिर हमें सही करनी पड़ेगी। भाई को समझा, ऐसे ना समझाए। नंबर 9, नंबर 9 बताए कहां क्या करेंगे? बैंक स्टेटमेंट शोज अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 870, क्या कहां क्या करेंगे? बीआरएस में, बिल्कुल सही वर्ड्स हैं, बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट है ये किसका बैलेंस मिला हमें? लेकिन बैंक स्टेटमेंट का कौन सा बैलेंस मिला है? ओवरड्राफ्ट मिला है, ओवरड्राफ्ट मिला है, ओवरड्राफ्ट इज मिला है। इसकी नेचर बताएं जरा, ये क्या है? ना सर, ना करें यार। द बैंक स्टेटमेंट शोज, क्या ये बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है? तो इट इज 870 डेबिट बैलेंस, तो इट बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बीआरएस। बीआरएस स्टार्टिंग पॉइंट बोले क्या होगा? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, आगे क्या लिखा होगा? 870, रेफरेंस क्या लिखा होगा? डेबिट। क्लियर है सर? नंबर 7, अच्छा एक काम रख कीजिएगा, अगर ये आपको पहला वर्ड ना भी समझ आए, अभी घर के लिए देना चाह रहा हूं आज यार, काफी अरसा हो गया, कोई होमवर्क नहीं है। ये फर्स्ट मैंने वर्ड्स काटे हैं, ये शायद मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर ये वर्ड्स आपको ना भी पता हो तो इवन देन अगला पॉइंट हो सकता है। मसलन ये है क्या क्या? कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो बैंक स्टेटमेंट में होगी और कैश बुक में नहीं हुई। तो एक तो इंटरेस्ट की है, इंटरेस्ट ऑन अ लोन। फिर एक अगर आपको कोई वर्ड ना भी इसमें पता चला ना तो क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं जानबूझ के कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा।
और आपको चांस देना चाहता हूँ, जरा सी पढ़ के बताएं सी में क्या है, क्या करेंगे इसका डिविडेंड सी, बस इस तरह डिसीजन लेना है। फर्स्ट करें अगर कोई और भी चीज समझना है तो आप उसे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। तो हम कल इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसको ट्राई जरूर करके आना। मेरा मैसेज सबको गैस है? Yes, मैंने लास्ट सेंटेंस क्या बोला जरा बोल दीजिएगा, तो ट्राई का मतलब क्या हुआ, कितनी की कोशिश करेंगे, उतनी जितनी रिक्वायर्ड है। अल्लाह हाफिज। जी कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स का सवाल? ऑनलाइन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो प्लीज। बैंक ओवरड्राफ्ट है जी,